आज विवेक कॉलोनी एवं फ्रेंड्स कॉलोनी वासियों द्वारा कलेक्टर के नाम एक चार बिंदुओं पर विचार करने हेतु एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लिखा है समिति द्वारा भवन निर्माण के लिए जमीन आवंटित की गई है, जिसमें उस जगह पर शराब विक्रय नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी विवेक गृह निर्माण में निवासरत भवर सिंह राजपूत जो कि गुना पुलिस पदस्थ है, उनके द्वारा शराब विक्रय हेतु अशोकनगर रोड स्थित भवन किराए पर दिया गया है, जो कि विवेक गृह निर्माण समिति के नियम विरुद्ध है। जबकि पास में हिंदुओं के तीन प्रसिद्ध मंदिर स्थित रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है, जबकि उसी जगह भवर सिंह के भाई का स्कूल भी मौजूद होने के बावजूद भी इस तरह से शराब विक्रय हेतु भवन किराए पर दिया गया, जो कि नियम के विरुद्ध है। इस तरह पुलिस प्रशासन में पदस्थ होते हुए भी शराब विक्रय करवाने अपने ही भवन को किराए पर देना, क्या ये शासकीय सेवा शर्तों का उल्लंघन नहीं है? इसी तरह की चेतावनी देते हुए प्रशासन को आगाह किया है कि अगर प्रशासन भवर सिंह चौहान को आवंटित भूखंड आदेश निरस्त नहीं करता है तो फिर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। गुना से सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया गया है, आज ज्ञापन पंचमुखी हनुमान जी के पास में एक दारू की दुकान खुलने वाली थी, परसों मना कर दिया था, गुमटी वहाँ पे जमा दिए भजनसेठ के लोगों ने, पर यहाँ मंदिर है इधर वहाँ से हटा के इन्हें बस्ती में मेन रोड पे दुकान ले ली और दुकान वहाँ पे चालू कर रहे हैं। वहाँ पे पूरी बस्ती है, बस्ती के लोग निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं सुबह 4 बजे से, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जो है मंदिर पे आती हैं। पंचमुखी हनुमान जी पास में माता मंदिर है, हजारों की संख्या में रोजाना जो है दर्शनार्थी जाते हैं। उस जगह पे दारू दुकान नहीं खुलना चाहिए और बस्ती में तो होना नहीं चाहिए, बस्ती के बाहर कहीं भी खोलें, तो उसके लिए आज पूरी कॉलोनी वासियों ने, विवेक कॉलोनी और उसमें फ्रेंड्स कॉलोनी के लोग सब ने इकट्ठा होकर के एक ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय उसने बंद किया तो वहाँ पर दुकान नहीं खोली जाए।